खबर शुभी लाइट, आपकी खबर तेजसर। बस्ती से बड़ी खबर, शहर की प्रतिष्ठित ज्वेलरी की दुकान पर हो रही थी ठगी। आभूषण खरीदने गए फौजी उपभोक्ता ने रंगे हाथ पकड़ी चोरी। आभूषण के तौल में वास्तविक वजन से कई मिलीग्राम मिला कम। एसडीएम सदर के निर्देश पर बांट माप विभाग ने मारा छापा। कमी मिलने पर बांट माप अफसर ने तौल मशीन को किया सील। इलेक्ट्रॉनिक कांटे में खेल कर जनता से की जा रही थी ठगी। ठगी के शिकार हुए फौजी गंगा प्रसाद यादव ने की थी शिकायत। जांच करने नायब तहसीलदार के साथ पहुंची प्रशासनिक टीम। गांधीनगर में एस्प्रा ज्वेलर्स की दुकान पर पकड़ा गया फर्जीवाड़ा। पिछले एक महीने में बेची गई आभूषण की रिपोर्ट भी तलब। इस समय आभूषण का दाम सातवें आसमान पर है। आभूषण खरीदने से पहले मध्यम वर्ग के लोग कई बार सोच रहे हैं, लेकिन जब कोई जरूरतमंद आभूषण खरीदने के लिए ज्वेलरी की दुकान पर जा रहा है तो उसके साथ दुकानदार ठगी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इस मामले का खुलासा आज एक उपभोक्ता ने उस वक्त कर दिया जब वह शहर के प्रतिष्ठित आभूषण की दुकान पर ज्वेलरी खरीदने गया। ज्वेलरी खरीदने के बाद जब उपभोक्ता ने भुगतान करने से पहले एक बार और इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर तौल करने को कहा तो दुकान के सेल्समैन के होश उड़ गए, जिसके बाद पीड़ित उपभोक्ता ने एसडीएम से इस मामले की शिकायत की, जिस पर बांट माप विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक टीम मौके पर जांच करने पहुंची। शिकायत करने वाले उपभोक्ता गंगा प्रसाद यादव ने बताया कि वह फौजी रिटायर हैं और पिछले 3 साल से गांधीनगर के एस्प्रा ज्वेलर्स की दुकान से आभूषण खरीद रहे हैं। आज भी वह सोना और चांदी खरीदने के लिए आए थे। आभूषण खरीदने के बाद उसने तौल के हिसाब से भुगतान करने के लिए काउंटर तक गया। वहां उसे कुछ शक हुआ तो उसने एक बार फिर से सेल्समैन से खरीदे गए आभूषण की तौल करने का निवेदन किया, जिस पर दुकान मालिक ने पहले तो आनाकानी की, मगर जब उपभोक्ता अड़ गया तो मजबूरी में एक बार से इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर वजन करना पड़ा, जिसके बाद दुकान मालिक का फर्जीवाड़ा खुलकर सामने आ गया। तौल मशीन में आभूषण का अलग अलग वजन बताने लगा। मतलब पीड़ित फौजी रिटायर गंगा प्रसाद यादव ने जितना आभूषण खरीदा था उसका वजन कितना बताकर उसे भुगतान करने को कहा गया था। असल में उस वजन से खरीदा गया आभूषण का 6 मिलीग्राम का अंतर पाया गया, जिसके बाद पीड़ित उपभोक्ता ने दुकान में मौजूद सभी सेल्समैन से इसका जवाब मांगा तो इस चोरी का जवाब किसी के पास नहीं था। एस्प्रा ज्वेलर्स जो हमारे शहर की बड़ी दुकान है, ये सोच करके आया था कि छोटी दुकानों पर हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए, लेकिन बड़ी दुकानों पर नहीं होगा। यहाँ मैं आकर के चांदी के पायल और सोने की अंगूठी की खरीदारी करनी चाहिए। खरीदारी कर भी लिया और मुझे जब मेमो दे दिया गया, मैं बिल पेमेंट कर दिया। उसके बाद जब मेरा फाइनल वजन करने लगे तो मुझे दिखा कि अंतर है हमारे दोनों सामानों के वजन में। मैंने कहा फिर से वजन करिए, वजन इन्होंने किया। फिर दूसरी मशीन पे वजन हुआ, उस पर कुछ और दिखा रहा। तीसरी पर हुआ, उस पर कुछ और दिखा हो रहा। फिर मेरे पूछने पर जब ये लोग सही जवाब नहीं दे पाए तो मैंने तत्काल जो है एसडीएम साहब को फोन किया, कोतवाल साहब को फोन किया और एसडीएम साहब ने तत्काल जो है एक्शन लेते हुए संबंधित अधिकारियों को यहाँ पर भेजा है। तहसीलदार साहब आए हैं और टोल विभाग वाले जो अधिकारी हैं वो साहब आए हैं। उनकी उपस्थिति में भी जब साहब ने ये कहा कि इस तरह का होता है, कागज वगैरह चेक किया, इनका सब कागज तो सही था, लेकिन मशीन इनकी फिर भी फ्लैक्चुएट कर रही है, कहीं 600 मिलीग्राम कहीं 800 मिलीग्राम, और मेरा दिया हुआ सामान भी कम वजन की जगह ज्यादा का बिल बना के मुझे दिए हैं, कहीं कम दिखा रहा कहीं ज्यादा दिखा। जांच करने पहुंचे बांट माप विभाग के अधिकारी ने फिर से खरीदे गए ज्वेलरी की जांच की और उक्त इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन को सील करते हुए पिछले एक महीने में उस तौल मशीन पर तौल कर बेची गई आभूषण और उससे खरीदने वाले उपभोक्ताओं की जानकारी मांगी है। इस खुलासे के बाद आम जनता का अब ऐसे फ्रॉड दुकानदारों से भरोसा उठ गया है। आभूषण के शौकी अब ऐसे दुकान पर सोने चांदी की खरीदारी करने से पहले कई बार सोचेंगे। दुकान मालिक न जाने अब तक कितने उपभोक्ताओं के साथ ठगी कर चुका है, मगर आम और खास सभी उपभोक्ताओं के विश्वास को तोड़कर देश की नामी आभूषण कंपनी एस्प्रा ने अपने मानकों को खुद तोड़ दिया और सरेआम उपभोक्ताओं को चूना लगाने की दुकान खोलकर लाखों करोड़ों का वारे न्यारे कर रही है।
नए साहब का माध्यम से जो है शिकायत की सूचना मिली थी कि श्री गंगा प्रसाद यादव जी जो हैं ग्राम रोवा ग्राम पोस्ट गुनार थाना लालगंज बस्ती के हैं, जिन्होंने इस दुकान से एक्स्ट्रा ज्वेलर्स गांधीनगर बस्ती से इन्होंने जो है एक अंगूठी सोने की और एक पायल खरीदा है और तौल में इनको संदेह है कि ये गलत हो रहा है, मेमो पे कुछ मेंशन है और यहाँ वजन कुछ और दर्शा रहा है, इसलिए इनके कांटों का निरीक्षण किया गया और उसको फिर से वेरीफाई किया गया तो जो चांदी सोने की जो तौल थी वो तो सही पाई गई, उसका कांटा सही मिला, लेकिन हमारे नियमानुसार जो चांदी का कांटा था उसमें 600 मिलीग्राम का डिफरेंस दिखाई दिया, वो था कम लेकिन इसमें मेंशन ज्यादा किया गया था, ये उस कांटे को सीज कर दिया गया है और नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अब देखना है कि इस मामले को लेकर संबंधित विभाग क्या कार्यवाही करता है जिससे अब आगे से अन्य उपभोक्ता ठगी का शिकार होने से बच जाएं। स्पेशल रिपोर्ट खबर यूपी लाइव।